वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। और 18th ऑफ सितंबर की कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इधर आप रेलवे के लिए ले लीजिए, बैंकिंग या पुलिस या यूपीएससी एसएससी या टीचर्स के लिए, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जा करके फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है कि नाम्बिया से लाए गए टोटल 8 ऐसा चीता है जिसको किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अभी कॉमन रहेगा और न्यूज़ में आएगा, एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें छोड़ा गया है। अब इससे देखिए क्या क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा ऐसा और इम्पॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है जो कुछ स्टेट में फेमस है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया आपका उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, बंधवगढ़ हो गया आपका मध्य प्रदेश में, मुकंदरा राजस्थान में है, काजीरंगा असम में है, बंदीपुर कर्नाटक है और बनरघट्टा भी आपका कर्नाटक है। अब अगर ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसमें कि आखिर नाम्बिया का कैपिटल क्या है, नाम्बिया का कैपिटल, नाम्बिया का करेंसी, नाम्बिया के प्रेसिडेंट है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अदर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 70% आरक्षण की मंजूरी दे दी है, और ये कोई और नहीं बल्कि झारखंड है। ओबीसी आरक्षण जो पहले 14% का था, अब उसको बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। किस राज्य ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है, और यह छत्तीसगढ़ में आपका हुआ है। प्रतिवर्ष हर वर्ष अगर देखा जाए तो 15 सितंबर से ये अभियान शुरू होता है और 2 अक्टूबर तक होता है। इस मेन स्वच्छता ही सेवा का जो अभियान है, ये पूरे देश प्रदेश में चलाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य कि गांव को कैसे स्वच्छ रखा जाए और जन जागरण को जागरूक किया जाए। किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है, और ये बीएसएफ है। अब देखिए इसमें एक्चुअली जब ये ऊंट दल आपका तैयार हो जाएगा तो ये राजस्थान और गुजरात के जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पे तैनात कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर जब बीएसएफ अपना 98वां स्थापना दिवस मनाएगा तब ये चीज़ लागू होगा, उसी दिन से ये चीज़ स्टार्ट होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन, पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसको सुरक्षित करने के लिए किया गया था, और इस फोर्स का गठन भी उसी टाइम पर हुआ था। रुस्तम के कौशल के कुशल नेतृत्व में एक्चुअली बीएसएफ का गठन हुआ था, और इस बार 1 दिसंबर को आपका 58th स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मेनली ओजोन दिवस का थीम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 में क्या है, तो इसका थीम है सिग्निफिकेंस एंड हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड हिस्ट्री। 1970 में जब साइंटिस्ट ये नोटिस किए कि हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे मतलब उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और इतना खतरा में है कि वो विलुप्त होने की स्थिति में आ चुका है, और इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न पाया गया वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, और हेलन कुछ गैस ऐसे जो कि रेफ्रिजरेटर से एसी से ये बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके कारण ओजोन लेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो थीम याद रखिएगा 2022 का, और कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर राष्ट्रीय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है।
कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 26वीं बैठक आयोजित अभी अभी किया गया है, मुंबई में हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्चुअली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसको हम लोग FSDC बोलते हैं, इसका स्थापना यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष परिषद है तथा इसका स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था, मतलब जो इसका मेन स्टार्टिंग हुआ था 2010 में हुआ था। और FSDC का स्थापना प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति 2008, तो मेन जो रघुराम समिति 2008 का 8 के तहत ही 2010 में इसका स्थापना किया गया था। FSDC का उप समिति या अध्यक्षता RBI के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, जो प्रेजेंट अभी RBI के गवर्नर होंगे उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अध्यक्षता में यह होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपने बैठक में आमंत्रित कर सकता है। तो ये है आपका FSDC से रिलेटेड। अब क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर ने टेनिस से तो संन्यास ले लिया है, घोषणा कर दिया उन्होंने, तो फेडरर ने कितने अभी तक ऐसे ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो टोटल उन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो 20 है। अब उसमें कौन कौन सा है, टोटल 20 ग्रैंड स्लैम में से विम्बलडन 8 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका 6 है, US ओपन 5 है और फ्रेंच ओपन 1 है। तो याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन 1, US ओपन 5, विम्बलडन 8 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 20 में से अगर पूछ दिया जाए कि विम्बलडन टोटल कितना था। और अपने इस शानदार करियर में जो इन्होंने टोटल ग्रैंड स्लैम 20 जीता है, उसमें सबसे पहला जीत इनका 2003 में हुआ था विम्बलडन में ही, जहां उन्होंने अपने फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2003 में उन्होंने मार्क फिलिपोसिस को हराया था और टोटल कुल जो ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है वो 20 है। कौन सा ऐसा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी करेगा, ये कोई और नहीं बल्कि भारत है। हालांकि भारत में आयोजित होने वाला पहला फीफा महिला प्रतियोगिता यह होगा जिसका कि मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा किया जाएगा। कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, एंड नन अदर देन गौतम अडानी। इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रोपुट सैटेलाइट का लॉन्च करने के लिए किसका सहयोग लिया है, और यह सहयोग है ह्यूजेस कम्युनिकेन्स इंडिया का। और ये कुछ क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए रखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, KS एजुकेशनल को नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए, एंड डू लाइक बिकॉज दिस इज द वनली दैट्स बूस्ट माय मोरल, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स इवन योर फैमिली मेंबर एंड द डियरेस्ट वन, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। And we'll meet with the next session that is on the 19th of September. That one is the very important for you guys. Tab tak ke liye dhyan rakhein aur mehnat karte rahein.